पालक की साग और दाल को कुछ इस तरीके से बनाइए अपने घर में कि आपके घर के लोग आपके तारीफ करते थकेंगे नहीं, और खाने में तो मत पूछिए, उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। और एक बार तो इसे ज़रूर ही ट्राई करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो तो ट्राई कर लीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी है पालक की साग है और दाल। पालक के साग को दाल के साथ कैसे बनाते हैं ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं, और आप ज़रूर इसे पूरा वीडियो देखिएगा, बीच से स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, टेस्टी और लाजवाब ये पालक की साग और दाल बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये साग और दाल। बहुत ही अच्छा से बन रहा है, देखते रहिए। तो यहाँ पे हमने ये कुछ पालक के साग को अच्छे से काट लिए, बीन के फिर से काट लिए, फिर से धोएं, धो के अब देखिए इसमें मसूर के दाल हम डालेंगे, क्योंकि कोई और दाल डालेंगे तो गलेगी नहीं पालक के साथ, इसलिए। अब यहाँ पे हमने टमाटर लिए हैं, सूखे मिर्ची है, तेज़पत्ते हैं, जीरे हैं और प्याज है, कुछ मसाले हैं। तो इस तरह से हम कुकर रख दिए हैं गैस पे गर्म होने, इसमें ऑयल रख दिए। देखिए फ्रेंड्स, हम ऑयल थोड़े कम खाते हैं, सबको ही ऑयल कम खाने चाहिए क्योंकि लीवर डैमेज करता है, ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिट भर ही खाए तो सही है, ऐसे कभी कभी तो चल सकता है। अब इसमें देखिए हमने रखे तेज़पत्ते, मिर्चें, अब इसमें हमने प्याज रख दिए इस तरह से। अब हम बनाने वाले हैं, ये देखिए ये है, हमने लहसुन रखे थे उसको कूट लिए, और यहाँ पे देख लीजिए हमने लहसुन रख दिए इसमें। प्याज थोड़े से कलर चेंज हो गया प्याज का, तो हमने इसमें मसाले भी रख दिए। अब देखिए टमाटर मसाले सबको एक साथ थोड़ा सा भूनेंगे, इसके बाद फिर इसमें अब हम दाल को डाल देंगे। देखते रहिए, ये है मेरा दाल मसूर का। अब हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट भून के फिर इसमें साग को डालेंगे। ये रहा पालक के साग, आप सावधानी से अच्छे से डालिएगा, कुकर में आपका हाथ सटे ना, जले ना। तो देखिए इस तरह हम इसको पलट पलट के साग को, और फिर अब इसमें हम नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और इसके बाद फिर अब हम इसे ढक्कन लगा के थोड़ा सा छोड़ देंगे, पूरे ढक्कन अच्छे से सीटी के साथ नहीं लगाएंगे, हल्का सा बस ऐसे ढक दिए हैं, बस ढक दिए। अब थोड़ा सा देखिए फिर से ये पानी छोड़ दिया, गल गया, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे अपने लिमिट अनुसार, ज़रूरत अनुसार आप इसमें पानी डालिए। देखिए हमने इतना पानी डाले हैं, आप भी अपने लिमिट अनुसार पानी डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर अब हम इसे ढक्कन लगा के बंद करेंगे। तो ये देखिए हमने अब अच्छे से ढक्कन लगा दिए हैं, और अब हम देखिए हमने क्या बनाया सब्ज़ी में, ये है मटर और आलू की सब्ज़ी है, चना है, सॉरी चने हैं, ये काले चना है और आलू है। तो हमने आलू चना की सब्ज़ी बनाए हैं, और ये पालक के साग दाल के साथ बनाए हैं। देख लीजिए मेरा साग बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। पानी कम हो गया हो तो आप ऊपर से हल्का गुनगुना पानी करके नमक के साथ थोड़ा सा नमक डाल के, वैसे मैं मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने पानी नहीं डाले इसमें। अगर आपको लगे कि पानी कुछ कम हो गया है तो आप इसमें पानी अलग से डाल सकते हैं, अगर कम हो जाए तो, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने इसे अलग कुकर से अलग बर्तन में रख के अब इसे इससे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इससे मिक्स कर दिए। अब कुकर में हमने रख दिए चावल बनने, और ये कोई और बर्तन में हमने साग को पलट लिए हैं, और देख लीजिए एक कैसा बना मेरा साग, आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छा बना है ना। तो आपको भी अगर
मेरी साग की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।